वर्किंग एंड लिविंग इन सिंगापुर. इस टॉपिक पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड आई थॉट दैट इट्स हाई टाइम आई मेक अ वीडियो ऑन इट. हाय एवरीवन, वेलकम टू इनसाइडर ज्ञान. मेरा नाम सौमी है. आई एक्चुअली लिव एंड वर्क इन सिंगापुर विद माय हस्बैंड एंड थोड़े दिनों पहले, क्योंकि लाइफ इन सिंगापुर के बारे में मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था कि आप कि जो भी क्वेश्चंस है वो इस पोस्ट के नीचे डाल दो. बहुत सारे क्वेश्चंस आए एंड माय अटेम्प्ट इन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी आंसर ऑल ऑफ देम थ्रू डिफरेंट फैक्ट्स. बट ऑल्सो ना, मैं थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा कैजुअल रखना चाहती थी, थोड़ा व्लॉग स्टाइल रखना चाहती थी. तो मैं सोच रही थी कि क्या इंटरेस्टिंग किया जाए एंड मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों को एक हाउस टूर टाइप देती हूँ, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हाउ इट इज़ लाइक टू लिव इन सिंगापुर. एंड ऑफकोर्स इफ़ यू लाइक दीज काइंड ऑफ कैजुअल वीडियोज, लेट मी नो. गोइंग फॉरवर्ड आई कैन मेक स्लाइटली इंफॉर्मेशनल कंबाइंड विद व्लॉग स्टाइल वीडियोज एज वेल, बट अदरवाइज लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. Okay, so this is our entrance. वैसे there's a area यहाँ पे जहाँ पे हम सामान रखते हैं and this is like a shoe changing area. And then when you get in, here is our living room. ये तो हमारा dining area है. एंड अगर हम यहाँ आए तो देयर्स अ क्यूट सा बार एरिया. वहाँ पे मैंने बार लिख रखा था बट समहाउ इट्स नॉट शोइंग. एनीवे, दिस इज अखिल्स बार एरिया एंड राइट ओवर हियर वी हैव आवर किचन. सो किचन तो हमारा नॉर्मल सा ही है और फॉर द टाइम बीइंग काफ़ी मेसी भी है. बट वन इंटरेस्टिंग एरिया दैट इट ओपन्स अप टू इज आवर यार्ड एरिया. सो बेसिकली थोड़ा सा स्टोरेज सा एरिया है और यहाँ से ओपन है तो शायद थोड़ा बहुत शोर भी आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे एक स्टेडियम है जहाँ मैच चलता रहता है. बट एनी वे, हियर्स आर वॉशिंग मशीन एंड ऑल. बट आई कॉल दिस इंटरेस्टिंग मेनली बिकॉज ऑफ दीज टू प्लेसेस. बेसिकली एक हेल्पर एरिया है, ये हेल्पर का बाथरूम है एंड ये हेल्पर का लिविंग, छोटा सा लिविंग एरिया. अगर किसी को हेल्पर रखना है हाफ पार्ट टाइम या फुल टाइम तो यहाँ पे रुक सकता है. दिस इज द इनसाइड ऑफ द हेल्पर एरिया. क्योंकि अभी हमारे पास कोई हेल्पर है नहीं तो इसलिए कार्टन वगैरह रखा हुआ है. ओके, सो फैक्ट नंबर वन अबाउट लिविंग इन सिंगापुर. बेसिकली हम इंडियंस को ना वैसे ही इंडिया में बहुत सारे हेल्पर्स वगैरह की आदत होती है, राइट, बिकॉज ऑफ चीप लेबर. सो वन वेरी गुड थिंग अबाउट सिंगापुर इज कंपेयर्ड टू एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज लाइक US एंड UK इज हेल्पर्स यहाँ पे अवेलेबल है एंड दैट्स अ ह्यूज रिलीफ बिकॉज स्पेशली इफ यू आर अ वर्किंग कपल एंड देन यू हैव किड्स एंड यू डोंट हैव टाइम टू लुक आफ्टर देम देन यू कैन ऑलवेज गेट अ फुल टाइम हेल्पर. दैट्स वन रियली गुड थिंग अबाउट सिंगापुर. क्योंकि US और UK में जो हेल्पर्स अवेलेबल भी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. नैनीज जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एंड ओनली द सुपर रिच कैन अफोर्ड अ हेल्पर देयर. बट सिंगापुर में आई मीन आई वोंट से इट्स वेरी चीप, ऑब्वियसली इट्स नॉट चीप. आपका जो पर मंथ का खर्चा आएगा हेल्पर का दैट इज ईजिली गोइंग टू बी इन द रेंज ऑफ 1200 to 1500 पर मंथ. That includes helper का जो salary है वो. उसके बाद आपको helper के लिए food भी देना पड़ता है. You have to pay for all the medical expenses for the helper also. And साथ में कुछ $300 type government को भी देना पड़ता है if you want a full time employee like a helper as an employer. So वो सारा मिला के $1200 to $1500 के बीच में आता है. एक बहुत ही अजीब सा रूल सिंगापुर के बारे में ये है कि जो helpers है ना वो आपके साथ ही रहने पड़ेंगे. मतलब they can't live outside. If you get a helper as an employer, if you get a helper, you have to have space within your house to accommodate him or her. And luckily, इसी rule के कारण जो condos है यहाँ पे, सारे जो apartments हैं वो इसी तरह से built है कि there's usually जो 2 to 3 BHK apartments है, usually वहाँ पे एक छोटा सा helper का area भी होता है, जो कि आपने अभी just video में देखा हमारा yard area में है. One of the main reasons we got this apartment is obviously because of the amazing view. ये है कलांग रिवर का व्यू, जो कि यहाँ पे एक पार्क भी है. हम काफ़ी बार वॉकिंग करने जाते हैं एंड इट्स क्वाइट प्रिटी. यहाँ पे कयाकिंग होती है,
एंड दूर शायद कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं, दैट इज़ ऑब्वियसली द सिंगापुर फ्लायर एंड दैट इज़ द ओशन। यहाँ से सनराइज़ होता है तो हर दिन सुबह हमें बहुत ही अमेजिंग सा सनराइज़ देखने को मिलता है, विच इज़ अ बोनस। एंड इसी बात पे चलते हैं फैक्ट नंबर टू में, विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट द लिविंग एक्सपेंसेस। वैसे तो लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है एंड मे बी आई जस्ट लिंक इट अप हियर सो दैट यू कैन गो एंड वॉच इट। बट अगर मैं बहुत ही रफ सा एस्टिमेशन दूँ, आई थिंक आई वुड से स्टूडेंट्स के लिए अबाउट 1200 टू 1500 पर मंथ लग जाता है। दिस फॉर अ डिसेंट लाइफ स्टाइल, यू डोंट हैव टू सैक्रीफाइस अ लॉट और एनीथिंग। फॉर अ बैचलर मे बी यू हैव टू स्पेंड अबाउट 2500 टू 3000 इन दैट रेंज। For a family of two or three, you might have to spend about 5000 or slightly more. सबसे बड़ा खर्चा obviously rent का होता है and rent में बहुत सारे factors include हो जाते हैं, right? अगर तुम city के center में रह रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा pay करना है, अगर आस पास MRT वगैरह है जो subway होता है यहाँ का, उसके लिए ज़्यादा pay करना है। जैसे जैसे तुम outskirts में चले जाओगे वैसे तुम्हारा commute time बढ़ेगा but तुम्हारा rent भी कम होगा। So बहुत सारे factors है but इतने amount में I think एक decent काफ़ी comfortable lifestyle स्टाइल लिव किया जा सकता है सिंगापुर में। जस्ट वॉन्ट टू से दैट सिंगापुर इज ऑब्वियसली वेरी वेरी एक्सपेंसिव कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज ओवर देयर, एंड जितना आप रेंट पे करोगे उसके हिसाब से आपको घर भी छोटा लगेगा, बट इट इज़ वॉट इट इज। ओके, सो नाउ मूविंग फ्रॉम द लिविंग रूम टू आर मास्टर बेडरूम। ये फैन एक्चुअली जो है ये सिंगापुर में आता नहीं है, हमने अलग से लगवाया है, बट this is a very simple sa room. इस तरफ हमारा master bathroom है and all the cupboards and the mirror and all are here. और one of the best part is obviously again the view and all these big windows. So basically हम यहाँ से उठते हैं and यहाँ sunrise होता है. It's quite pretty to wake up to the orange colors every day. सिंगापुर में ना हर अपार्टमेंट में यहाँ एक ये आइल सा एरिया भी होता है जो कि मुझे लगता है कि रूम को थोड़ा सा छोटा कर देती है, बट ठीक है अब है तो वी आर ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। फैक्ट नंबर थ्री, यहाँ का जॉब सिचुएशन एंड सैलरीज के बारे में थोड़ा बताती हूँ एंड हाउ ईजी और डिफिकल्ट इट इज़ टू फाइंड अ जॉब ओवर हियर। आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्वेश्चंस। तो एवरेज सैलरी यहाँ की अकॉर्डिंग टू गूगल इज स्लाइटली लेस देन 6000 सिंग डॉलर्स पर मंथ, विच कम्स आउट टू बी अबाउट 3 लाख्स पर मंथ। एंड अगर काइंड ऑफ जॉब्स के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली देर आर ऑल एंड एवरी टाइप ऑफ जॉब्स अवेलेबल। सिंगापुर में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा नहीं होता है बट बहुत सारे कंपनीज़ का, US कंपनीज़ का एशियन हेडक्वार्टर्स सिंगापुर में होता है। बहुत सारे एशियन कंपनीज़ ऑब्वियसली सिंगापुर में ही लाइक बिल्ट एंड ब्रॉट अप है, सिंगापुरियन टाइप्स है। क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता इसलिए सर्विस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है एंड यू नो जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स हो गए या फाइनेंस जॉब्स हो गए, कंसल्टिंग के जॉब्स हो गए या फिर पीपल मैनेजेरियल रोल्स हो गए, फिनटेक कंपनीज में जॉब हो गए, इवन इन अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स लाइक ई कॉमर्स कंपनीज, फूड डिलीवरी कंपनीज। तो बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स की बात करूँ तो गूगल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स ओवर हियर। ऑब्वियसली देयर इज अमेज़न, फेसबुक, दोज काइंड ऑफ कंपनीज। देर आर द अदर लोकल ई कॉमर्स कंपनीज लाइक लजाडा एंड शॉपी, फिनटेक कंपनीज लाइक रेवल्यूट, एयरवॉलिक्स, मास्टर कार्ड, वीज़ा, ग्रैब बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पे जो बहुत सारे लोगों को जॉब्स दिलाती है। बहुत सारे बैंक्स के भी बहुत सारे यहाँ पे रोल्स होते हैं लाइक सिटी बैंक, DBS इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स ओवर हियर, UOB, OCBC एट्सेट्रा। रिगार्डिंग हाउ ईजी और डिफिकल्ट इट इज़ टू फाइंड अ जॉब हियर, आई मीन अगर तुम यहाँ के यूनिवर्सिटी में आए हो पढ़ने, देन तो ऑब्वियसली इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू गेट अ जॉब ओवर हियर राइट आफ्टर यू कम्प्लीट योर एडुकेशन। अगर आप इंडिया में रहते हो तो मूव करना, पहला मूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इट रियली हेल्प्स इफ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लाइक यू हैव वर्कड इन सम ऑफ द अदर बिगर ज्योग्राफीज लाइक US, UK वगैरह, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो फॉर दैट मैटर। अगर इनमें से भी कुछ भी नहीं है तो यू कैन स्टिल अप्लाई, आई थिंक फॉर द हाई स्किल पीपल इन इंडिया, राइट, लाइक द Tier 1 इंस्टीट्यूट्स जो है उनके लिए जॉब लगना इतना डिफिकल्ट नहीं है सिंगापुर में इवन फ्रॉम इंडिया बिकॉज ऑफ द नेटवर्क दैट यू माइट पोजेस। यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं तो
आपका नेटवर्क भी उस हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्गर होगा. एंड ऑब्वियसली इफ देर आर इंडियंस देन दे नो कि इंडिया के लोगों की लाइक टैलेंट कैसा है, एपेटाइट कैसा है, तो यू टू गेट हायर्ड फ्रॉम इंडिया इज स्लाइटली ईजियर एज वेल. बट आई वोंट से इट्स द ईजिएस्ट, स्पेशली गिवन दीज डेज ऑल द चेंजेस इन वीजा रूल्स. एंड मास्टर बेडरूम से बाहर निकलते ही यहाँ पे एक एली वेसा है. यहाँ पे देयर इज द अदर बाथरूम विच इज़ द गेस्ट बाथरूम. एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल सा गेस्ट बेडरूम. अगेन ह्यूज विंडोज विच मीन्स अ लॉट ऑफ लाइट ओवर हियर. उसके जस्ट साइड में है एक और बेडरूम, बट इसको हमने बना रखा है स्टडी. नंबर फोर, अब यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना सिंगापुर में, वो बहुत ही स्ट्रांगली सेटअप है. आपको इंडियन फूड बहुत आसानी से मिल जाएगा, आपको इंडियन ग्रोसरीज़ ऑनलाइन जब आप ऑर्डर करेंगे तब भी आपको इंडियन ग्रोसरीज़ बहुत आराम से मिल जाएगा. और अगर ऑनलाइन अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें ना भी मिले तो लिटिल इंडिया पहुँच जाओ, वहाँ पर मुस्तफ़ा है और बहुत सारे और शॉप्स है. तो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग सेटअप है. That's also because obviously यहाँ का जो 10% of the population is also Indian. Almost 10% of the population is also Indian. In fact, मेरे कुछ दोस्त जोक करते हैं that Singapore is the best city in India. Anyway, उसके अलावा Indian infrastructure के अलावा आपको आई थिंक दोस्त भी यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे. देर इज़ अ वेरी ह्यूज लाइकलीहुड कि आपके नेटवर्क के ऑलरेडी कई लोग यहाँ पे रहते हो बिकॉज ऑफ द ह्यूज इंडियन पॉपुलेशन ओवर हियर. और अगर नहीं भी है तो भी जनरली आप रहते रहते यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह बना ही लोगे. जनरली सिंगापुर बहुत ही सेफ है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही ईजिली अवेलेबल है विच इज़ ग्रेट बिकॉज यू डोंट नीड टू बाई अ कार और एनी थिंग. टैक्स रेट भी काफ़ी फेवरेबल है यार, इट्स जस्ट 15% कम्पेयर टू 30% इन इंडिया. और यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी हम्बल है, हेल्पफुल है, काइंड है, जनरली पोलाइट है, फॉलोइंग द रूल्स ऑलवेज, सो हायरार्की में बिलीव करते हैं. सो ओवरऑल वेरी नाइस प्लेस टू स्टे. इंग्लिश इज़ ऑल्सो वाइडली स्पोकन, सो आपको ज़्यादा लैंग्वेज की भी दिक्कत नहीं आएगी ऑफिस में या फिर यू नो डे टू डे लाइफ में. इंग्लिश सब लोग समझते हैं मोटा माटी. द ओनली वन थिंग दैट आई से इज लेटली थोड़ा सा रेसिज्म अगेंस्ट इंडिया थोड़ा सा बढ़ गया है. एंड सॉरी फॉर दिस बिग बोल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ऑन अ पब्लिक फोरम, बट इट इज़ ट्रू. आई थिंक थोड़ा सा मैंटेलिटी ऐसा हो गया है कि यू नो इंडियंस आके यहाँ के जॉब्स हॉक कर रहे हैं, विच ऑब्वियसली वी हैव नथिंग लाइक इट्स नथिंग अगेंस्ट अस बिकॉज गवर्नमेंट इज़ अलाउिंग यू टू डू सो एंड कंपनीज आर हायरिंग द बेस्ट पीपल. सो वॉट कैन दे डू इफ दे फाइंड इंडियंस टू बी गुड इन दिस एरिया, राइट? बट जनरली ये एक चीज़ थोड़ा सा होने लगा है आजकल, तो मैंने सोचा वीडियो पर बता देती हूँ. स्टडी का थोड़ा सा टूर देती हूँ. Both of these chair and table are from IKEA and I am absolutely in love with the color palette over here. Anyway, view badhiya hai yahan pe and most of the time jo meri video shoot hoti hai wo bhi isi chair pe baithe hoti hai. Jo mera script hota hai wo main laptop pe rakh deti hu, camera yahan rehta hai, which is why the background needed to be slightly pretty and that's why we have this couch with a ottoman. तो यहाँ पे ये येलो सा काउच विथ ऑटोमन जो कि नहीं दिखता होगा शायद, बट ये पेड़ मेरे मोस्ट वीडियोस में दिखता है अलॉन्ग विद दिस क्यूट सा बास्केट विच इज़ एक्चुअली अ लॉन्ड्री बास्केट बट इट्स क्वाइट एस्थेटिक. तो ये मेरा यूजुअली बैकग्राउंड होता है. एंड सम डे इफ आई फील लाइक इट मे बी आई पुट सम वॉल डेकोर ऑन द वॉल्स, बट अदरवाइज फॉर नाउ दिस इज व्हाट इट इज. And finally coming to fact number 5, which is also one of the topmost questions जो आप लोगों ने पूछा था, which is about the visa rules in Singapore. So अगर आप यहाँ पे काम करने के लिए आओगे तो आपको आना पड़ेगा employment pass या EP में. And employment pass पाने के लिए आपकी minimum salary, monthly salary होनी चाहिए 5000 SGD as per the latest rules. उसमें आप अपने साथ डिपेंडेंट्स भी ला सकते हो. डिपेंडेंट्स यूजुअली जो सिर्फ आपके स्पाउस है या आपके बच्चे हैं,
आई थिंक बिलो 16 ईयर्स और 18 ईयर्स सिर्फ वही क्वालिफाई होते हैं एज आपके डिपेंडेंट्स, उनको भी आप ला सकते हो। डिपेंडेंट वीज़ा जो होता है उस पर पहले तो लोग काम कर सकते थे सिंगापुर में, बट अब सिंगापुर ने रूल थोड़ा सा बदल दिया है ड्यूरिंग कोविड। अब डिपेंडेंट पास में आप काम नहीं कर सकते, विच मीन्स पहले अगर आप डिपेंडेंट पास में यहाँ पे होते आपकी सैलरी 5,000 नहीं थी, 4,000 ही थी, आप यहाँ पे काम कर सकते थे, नौकरी कर सकते थे, बट अब क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट पास पे ही काम करना पड़ेगा, योर सैलरी एटलीस्ट नीड्स टू बी 5,000 और अबव। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज अगर आपको अपने पेरेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट होते हैं, अगर आपको अपने पेरेंट्स को यहाँ पे शिफ्ट करना है तो देर इज अ सेपरेट वीज़ा विच इज़ कॉल्ड द लॉन्ग टर्म विजिट पास, आई थिंक LTVP, लॉन्ग टर्म विजिट पास वीज़ा। उसके थोड़े से ना नखरे है, क्योंकि सबसे पहले तो आपका जो सैलरी है वो होना पड़ेगा 12,000, मतलब 12,000 SGD की आपकी सैलरी है तो ही आप अपने पेरेंट्स की वीज़ा लगवा सकते हो, लॉन्ग टर्म वीज़ा लगवा सकते हो। और उनका जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है वो टैग्ड होता है आपके एम्प्लॉयमेंट पास के साथ, सो आपके एम्प्लॉयमेंट पास की जितनी वैलिडिटी होगी उस आपके पेरेंट्स की लॉन्ग टर्म वीज़ा की भी उतनी वैलिडिटी होगी। एंड अदर इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट इज आप अपने इन लॉज को नहीं बुला सकते हैं, विच मीन्स अगर आपके हस्बैंड या वाइफ यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स का आप LTVP नहीं लगवा सकते अपने एम्प्लॉयमेंट पास पे। जिनके पास एम्प्लॉयमेंट पास है उन्हीं वही लोग सिर्फ अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, और उसमें भी अगर आपकी सैलरी 12,000 से ज़्यादा है पर मंथ तो ही आप बुला सकते हो। अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं करता है तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स टूरिस्ट वीज़ा पे तो आ ही सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा का एक जो कंस्ट्रेंट होता है वो ये होता है कि 30 डेज तक ही मैक्सिमम आपके पेरेंट्स आपके साथ रुक सकते हैं, उसके बाद उनको जाना पड़ेगा वापस। रिगार्डिंग PR जो परमानेंट रेसिडेंस होता है या सिटीजनशिप होता है, वो आजकल मिलना यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है, ऑब्वियसली क्योंकि सिंगापुर ने अपने आप को इतने अच्छे से बिल्ड किया है दैट एवरी वन इज़ डाइंग टू सॉर्ट ऑफ मूव हियर, एंड गवर्नमेंट सबको तो अलाउ नहीं कर सकती है, तो उसके रूल्स वगैरह काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। बट मुझे लगता नहीं है कि इतनी बुरी बात है, बिकॉज आई मीन ऑब्वियसली ऑन द पॉजिटिव साइड अगर आप PR हो या यहाँ के सिटीजन हो तो कुछ कुछ रूल्स आपके लिए आसान ज़रूर हो जाते हैं। आपका पासपोर्ट मेनली बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपको एक एशियन पास के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसके लिए जिसमें आपको एशिया में किसी भी कंट्री के लिए आपको अलग से वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है, एंड इंडियन पासपोर्ट इज़ ऑब्वियसली नॉट दैट वीक, सो दैट रियली हेल्प्स। बट द डाउन साइड इज़ ऑल्सो अगर आपके पास PR है तो आपका मंथली सैलरी में से एक स्पेसिफिक चंक यहाँ का जो CPF है, जो कि इंडिया का प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड इक्विवेलेंट होता है, उसमें कंट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड बाद में जब आप उसको निकालोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, टैक्सेस वगैरह देना पड़ेगा। सेकेंडली अगर आपका सन, इफ़ यू हैव अ सन हु इज़ माइनर राइट नाउ एंड विल बी 18 ईयर्स, उनको नेशनल सर्विस जो होता है सिंगापुर में, हर मेल सिंगापुरियन को नेशनल सर्विस करना पड़ता है टू टेक पार्ट इन देयर आर्मी, गेट ट्रेन्ड एट्सेट्रा 2 साल तक, तो वो भी करना पड़ेगा। सो नेट अगर आपको लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहना है देन ऑब्वियसली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू गेट अ PR एंड सिटीजनशिप, बट अदरवाइज इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे थे अबाउट लाइफ इन सिंगापुर, सो थैंक यू फॉर दैट। I tried to consolidate and concise them into 5 different facts, and hopefully all your questions have now been cleared, and hopefully you've also enjoyed seeing a little bit of our house tour as well. If you did enjoy this video, please video ko like kar dena and subscribe kar do yaar, tumhare liye bilkul bhi free hai. And yeah, that's it. I'm going to see you in the next one. Till then, bye.